खुश हो ना आप? हाँ ठीक है, वेरी गुड हाँ मैं वेरी तो गुड। दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूँ, पर फिर भी लोग नहीं अच्छा अच्छा समझते हैं, वो सब रिपेयर वाले आएंगे आपके चलो, पास। रिपेयर वाले भी अच्छा है, वो एक ही बात है, जो भगवान देता है वो ठीक समझ के सो देता एक्चुअली आपने अभी भेजे वो पिक्स आपने कुछ देखे हो है। हाँ पहले? देख ली मैंने। आपने जो पेपर में लिखा था उसमें लाइक उसमें था 800 to 1000 ग्राफ्स आर अवेलेबल, और हमने जो प्लान किया था उसमें 500 पिच कैप में करने वाले थे, बट हमने प्रोसीड नहीं किया था। जी वो मिड स्केल का हम कवर कर सकते हैं क्या अभी हाँ, कभी लाइक? भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, हम कर लेंगे। वो छोटे से कुछ खास क्राफ्ट है नहीं। हाँ लाइक पहले से बताना होगा ना मुझे लाइक। हाँ, हम बताएंगे आपको किस दिन अवेलेबल है डेट्स। शालिनी आपसे भी शेयर कर लेंगी डेट्स, आपको कौन सा दिन चाहिए। लेकिन 500 ग्राफ्ट तो कभी भी कर सकते हैं। 500 ग्राफ्ट तो सेकंड केस होगा, हम एक हाँ ही दिन करते हैं, एक ही केस करते हैं। लेकिन कभी 200, 300, 400 टचअप वो हम सेकंड केस कर लेते हैं, फर्स्ट केस खत्म होने के बाद। ओके, जो भी सेफली एक्सट्रैक्टेबल आपको लगता है वही लाइक वही वैसे ही कुछ करेंगे, जितना वैसे ही भी करेंगे, आप। कोई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितने हाँ सेफली लाइक एक्सट्रैक्ट हो पाएंगे उतने ही करेंगे हम। रिजल्ट कैसा आया आपका? फ्रंट तो बहुत अच्छा हो गया हाँ यहाँ, आप अगर देखें तो देख लिया। फ्रंट में तो पूरा मतलब ये शेडिंग फेज आया ही नहीं था मेरे, डायरेक्टली हाँ वहीं से ग्रुप होना स्टार्ट था काफी हेल्दी हो उसका मतलब। तो। ठीक है, बढ़िया। हाँ तो और फिर बस एक काम क्राउन करो, में क्राउन बच गया ना, थोड़ा नीचे करके दिखा देंगे जरा, थोड़ा सा। बस 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 बस, ये क्राउन रह गया, बस यही रह गया बस। तो वो क्योंकि कमी थी ग्राफ्ट की, इसको कवर नहीं कर पाए हम, तो अभी हम कर देंगे कवर। ठीक है हाँ लाइक दैट्स नॉट एन इश्यू, एकदम ब्लैंक था उससे तो जो है वो उससे कहीं बेटर है, हाँ, तो नहीं काफी जैसे अच्छा फिफ्टी रिजल्ट आ बकेट गया, स्पेंट। हाँ काफी रिजल्ट अच्छा आ गया। मैंने तो देखी आपकी सारी पिक्चर्स अभी आपसे, आपको कॉल करने से पहले। अच्छा रिजल्ट आया आपका। हाँ तो मेडिसिन्स क्या ले रहे हो आप? वो ड्यूटास्ट्राइड है, अगर नीडेड आई एम ओपन टू टेकिंग फिनेस्ट्राइड, अच्छा अगर अच्छा लगता है आपको ठीक है लेना ठीक है। चाहिए अब जब आप आओगे तब देख लाइक। लेंगे, जब आप आओगे वो 500 ग्राफ्ट्स के लिए, उस टाइम पे हम देख लेंगे हाँ आपको। और कुछ पूछना है आपने? वही मतलब वही था कि लाइक सिर्फ मिड स्केल ही करना था क्राउन में अभी, क्योंकि अभी भी 50% ही रिजल्ट है अभी भी, हाँ, ऐसा वो आ जाएगा फुल्ली वो। अभी कितना भी टाइम हुआ अभी? 4 months अभी। 4 months तो कुछ भी नहीं होते, ये 4 months कुछ भी नहीं होते, 4 months से बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया आपको। तो हो वो हाँ, बाल है जो शेड नहीं। तो हो सकता है कि आपको जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज 4 months में तो कुछ भी नहीं होता रिजल्ट। तो 6 महीने पे ही हम असेस करेंगे फिर कि जरूरत है कि नहीं हाँ उस टाइम पे करने मतलब की। मिड स्केल में हमने किया ही नहीं था, हाँ मेरा एक्चुअली मिड स्केल में हमने किया ही नहीं था, तो मिड स्केल में जो था तो मिड हाँ स्केल में जो यहाँ पे गैप है वो वैसे ही रहेंगे अभी वो भी ठीक है, वो हम कर लेंगे, वो तो। हम। और खुश खुश हो ना आप हेयर ट्रांसप्लांट से? ठीक है, वेरी गुड हाँ मैं वेरी तो गुड। दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूँ, पर फिर भी लोग नहीं समझते हैं, वो सब रिपेयर वाले आएंगे आपके अच्छा, पास। रिपेयर वाले भी अच्छा है, वो एक ही बात है, जो भगवान देता है वो ठीक समझ के देता नहीं मानते, मैंने बोला उनको कि मैंने करवाया हुआ है तो मेरा हाँ। एक्सपीरियंस कह रहा है, पर नहीं मानते तो वो कॉस्ट आएंगे कॉस्ट को लेके, क्या फिर रिपेयर का यूजुअली टाइम। कॉस्ट को लेके काफी लोग ना इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन हमारा इवन के क्या है मैंने कि उनको वो भी बताया, इवन के हाँ, वो भी बताया जैसे आपका कैंसलेशन होता है तो कुछ आप वो कभी देते हैं कभी ना कभी कभी इमीडिएटली करा वो भी उनको महंगा पड़ता है ना, बिकॉज तो। बाहर क्या है कि डॉक्टर करते नहीं, वो एक क्लिनिक में पांच पांच छह छह केस लगा लेते हैं, जितना मर्जी कॉस्ट दो वो आपको जाने नहीं देते, आप जो मर्जी दे दो उनको। केस जाने रिपेयर नहीं देते। में आएंगे मेरे ठीक को है, अच्छा रिपेयर में भी काफी अच्छा है। पक्का ठीक है फिर आप, मैं मेडिसिन अपनी लेते रहिए, बताया। मेडिसिन लेते रहिए अपनी। पहले FUE कराया था आपने ना कि FUT? ओके पहले आपने क्या कराया था? दोनों था, FUT+FUE दोनों था। हाँ मेरे को FUT, तो अफसोस होता है मैंने पहली बार FUE नहीं कराया होता तो अभी मेरे को इतने ग्राफ नहीं लगते। हाँ FUT कहाँ से कराया था आपने? करके था और हाँ FUE कौन से साल में, FUT कौन से साल में कराया था? FUT 2020 में कराया था मैंने, अच्छा, 2020 तो के उसमें रिजल्ट कैसा आया था आपका? FUT, ये जो आप देख रहे हो जहाँ लो डेंसिटी है वो सब FUT हाँ, है। अब और उसने फिर यहाँ पे भी जो आपने मतलब और FUE कब कराया था जहाँ आपने? जहाँ आपने रिपोर्ट उसी दिन उसमें भी उसने FUE भी किया था उसी दिन। अच्छा FUT+FUE 2020 में कराया था आपने, तो ग्रोथ तो कुछ भी नहीं थी आपकी, कुछ भी हाँ नहीं, सारा खाली था।
जो उसने एफयूडी से लगाया फ्रंट में यहाँ से मिड स्केल तक वही आए, बाकी सब बेकार गए। वो एफयूई नहीं किया होता तो मेरे पास बहुत ग्राफ्ट होते हैं। तो वो एफयूटी सर्जन था जो एफयूई कर दिया, जो एफयूटी करता उसको एफयूटी ही करनी चाहिए। हार्डली 50%। बात सही है आपकी। हाँ ठीक है चलो, अब ठीक हो गया, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। हाँ या अब मतलब ठीक है। वैसे मेरे को ज्यादा डेंसिटी चाहिए नहीं, बट बियर्ड वगैरह से कुछ ऑप्शन है? बियर्ड, लेग, अंडर आर्म, हाँ ले सकते शोल्डर। हैं, ले सकते हैं आप। जब नेक्स्ट टाइम आओगे देखेंगे मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाँ फिर हम कर लेंगे। ठीक है हाँ मैं मुंबई, आपको 6 मंथ में वैसे ही मीट करना है तो मुंबई चलो वैसे ही ठीक आऊंगा है, मैं। दैट इज बेस्ट। मुंबई में आके मिल लो, उसके बाद हम प्लान कर हाँ लेंगे। ओके। ओके जी।